आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले बताओ तो हुआ क्या? सर आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, द बॉय इज परफॉर्म वेरी वेल. I would like to thank my parents and everybody else who helped me, especially my wife. So, sinking sound. Assalamu alaikum everyone. I am making this video as a motivation, and I'm making this video for young creators out there. I just started like few months ago, और उसमें भी मैंने तकरीबन एक 2 महीने का ब्रेक लिया था बीच में. जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो इट वॉज़ अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ इन माई सेल्फ एंड इन अल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज I don't know. I'm just gonna blabber in this video. मैं इसको ज़्यादा scripted नहीं बना रहा. It's just happened right now. I'm just in awe of believing of. I'm just in awe of the returns you will get when you have faith in Allah. Now I don't know. You don't have to be a believer or whatever, but I'm just gonna talk about my own personal experiences. रिज़्क के बारे में. जब भी मैंने अल्लाह पे भरोसा किया रिज़्क के लिए और ख़ुद मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है कि बस बैठ के दुआएं मांगी हैं. जब मैंने अल्लाह पे भरोसा किया है कि मुझे अल्लाह रिज़्क देगा, ही हैज़ नेवर नेवर एवर डिसअपॉइंटेड मी. मैंने अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाते, इस डर से कि उनकी रोज़ी रोटी का क्या होगा. और मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत कोई जो हूँ मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, मगर मैं जस्ट एक मोटिवेशनल या एक पॉजिटिव मैसेज वहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी लाइफ में 2 मरतबा ऐसे हुआ है, ये दूसरी मरतबा है. पहली मरतबा ये था कि मेरे पास जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं थी. आई वाज अनएम्प्लॉयड, आई हैड बेसिकली नॉट अ लॉट ऑफ सेविंग्स और आई वाज रनिंग आउट ऑफ सेविंग्स एक्चुअली, जो भी मैंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जॉब से बनाया था. और एज समबडी हु डिड रियली वेल इन यूनिवर्सिटी, मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो रहा था और काफ़ी आई वॉज़ गोइंग थ्रू अ रियली लो फेज. मगर उस वक्त मैंने पहली दफ़ा अल्लाह पे उस भरोसा किया था कि वो राज़िक है. और मैंने शादी करने का फ़ैसला किया, निकाह करने का. और ये एक दिस मे साउंड मैजिकल टू यू और व्हाट, मगर जिस दिन मैंने फ़ैसला किया है निकाह कर, मेरा निकाह हुआ है और उसके लिटरली अगले दिन आई साइंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आई हैव हैड एवर फॉर माय वीडियो वर्क. और उसके बाद से जो मेरे रिस्क में इजाफा हुआ है, मैं तो बल्कि ये बिलीव करता हूँ कि ये मेरा रिस्क नहीं है, ये मेरी वाइफ का रिस्क है. मैं उसके उसका रिस्क मुझे मिलता है, सो आई स्पेंड ऑन हर. अब दूसरी दफ़ा ये हुआ है कि मैंने अपनी लगी लगाई अच्छी खासी जॉब, जो जॉब प्रोबेबली लोग दे वुड ड्रीम ऑफ, ठीक है ना, वेल पेड, एवरीथिंग, हर फैसिलिटी अल्लाह ने लाइक दी हुई थी, मगर मेरे पेरेंट्स को यहाँ पाकिस्तान में मेरी ज़रूरत थी. उस ज़रूरत को रिकग्नाइज़ करते हुए उस जॉब को मैंने छोड़ा. अगे मैंने लीप ऑफ फेथ लिया अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ने रिस्क का बंदोबस्त करना है, मैंने मेहनत करनी है, रिस्क अल्लाह ने देना है. और आउट ऑफ नोवेयर
मेरी एक वीडियो वायरल हुई है और मैंने फेसबुक पे इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे फेसबुक पे मोनेटाइजेशन होगी। मैं यूट्यूब पे मेरा ध्यान था, पर मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर रहा था एंड वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि विद इन डेज आई हैव मेट माय क्राइटेरिया टू बिकम मोनेटाइज्ड ऑन फेसबुक। अब मुझे नहीं पता कितने पैसे आने हैं वट एवर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज एज अ मोटिवेशन कि आप बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, भरोसा अल्लाह पे करें, रिस्क अल्लाह देता है। अगर आप इस पे बिलीव करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और रिस्क आप याद रखें, हमेशा कभी हमेशा पैसों में नहीं होता रिस्क। रिस्क हैप्पीनेस भी है, रिस्क पीस ऑफ माइंड है, रिस्क जो है जो आपकी सेहत, पेरेंट्स की सेहत, आपकी फैमिली की सेहत, ये भी रिस्क है। तो बस आई एम जस्ट सो इन ऑ ऑफ दिस I don't know what else to say. Allah ka shukar hai for everything He has given us as a family. Aur Allah ka shukar hai ki hum usse tawassul karte hain, usse hi mangte hain aur wahi hamara dene wala hai. Wallahu khairur raziqin. I'm out.